आज हम लोग प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि टोटल जो ऑर्गेनिज्म है उसको फाइव किंगडम में डिवाइड किया गया है। फाइव किंगडम में टोटल ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, उसमें से दो ही किंगडम के पास टिश्यू होता है। जैसे पहला जो है मोनेरा है, मोनेरा में आपको बैक्टीरिया आएगा, मोनेरा जो है इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे यानी कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में आपको टिशू नहीं मिलेगा। दूसरा जो है वो प्रोटिस्टा है, इसमें भी यूनिसेलुलर आते हैं, तो प्रोटिस्टा में भी आपको क्या है टिशू नहीं मिलेगा, इसमें यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जैसे अमीबा वगैरह है तो इसमें भी टिशू नहीं मिलेगा। तीसरा है फंजाई या फंगस, इसमें भी आपको टिशू नहीं मिलेगा। तो आपको हमने बताया इस तीनों में, प्रोटिस्टा में क्या हो गया यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है ये, फंजाई जो है वो भी क्या है नो टिशू। अब ये तीनों में टिशू नहीं है, बस ये दो ग्रुप है प्लांटेई माने क्या हुआ प्लांट ग्रुप, जिसमें प्लांट्स आते हैं प्लांट्स, तो इसमें हायर प्लांट्स में आपको क्या मिलेंगे टिशू मिलेंगे, एनिमल में भी टिशू मिलेंगे। एनिमेलिया जो ग्रुप है वो किसका है एनिमल का है, एनिमल तो एनिमल और प्लांट इस हैव टिशू, दे हैव टिशू, ठीक है। तो ये टिशू सिर्फ दो ही किंगडम में मिलते हैं, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में। अब इस दोनों के टिशू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो उसी डिफरेंस को हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे एक एक करके। 6 डिफरेंसेस हैं, हम अब प्लांट टिशू और एनिमल टिशू में डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। सबसे पहले प्लांट टिशू का जो मोस्ट सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द टिशू आर डेड प्लांट में, और वही एनिमल में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर लिविंग। या हमारे बॉडी को अगर देखेंगे तो हमारे बॉडी में मैक्सिमम सेल जो है वो लिविंग है, और वही प्लांट में देखेंगे तो वहां पे मैक्सिमम सेल जो होता है वो डेड होता है। सेकंड डिफरेंस है कि दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देखिए जब ये डेड सेल है तो ये मेनली क्या करेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और वही लिविंग सोइल जो है वो सपोर्ट के साथ साथ मोशन भी प्रोवाइड करता है। यहां मेनली ये मोशन को देखना है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, और एनिमल टिश्यू में मेनली मोशन देता है, जैसे मैक्सिमम पोर्शन हमारा मसल्स का है और मसल्स क्या करता है मोशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका कि दे नीड लेस मेंटेनेंस। अब चूंकि ये डेड है, प्लांट टिश्यू में मैक्सिमम सेल तो डेड है तो इसका मेंटेनेंस इजी होगा, तो ये लेस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट रखेगा, लेकिन वही जहां मोशन हो रहा है वहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो यानी कि एनिमल टिश्यू जो है दे नीड मोर एनर्जी एंड मेंटेनेंस भी थोड़ा हाई लेवल का चाहिए इसको, और एनर्जी भी क्या है एनर्जी भी इसको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ओके। फोर्थ है कि सेल डिवीजन जो होता है प्लांट में अगर देखेंगे तो सेल डिवीजन एक लिमिटेड रीजन में होता है, लिमिटेड या सर्टेन रीजन में होता है। जैसे अगर आप प्लांट को देखेंगे तो उसके टिप जो होते हैं वो तेजी से ग्रो करते हैं, वहां पे सेल डिवीजन जल्दी जल्दी होता रहता है, लेकिन एनिमल में थ्रू आउट द बॉडी जो होता है यूनिफॉर्मली एक रूप में सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो प्लांट में क्या हुआ टिप पे सेल डिवीजन ज्यादा होगा, रूट टिप हो या शूट टिप हो, कैम्बियम में भी होता है अंदर, तो यहाँ पे लिमिटेड एरिया है कि यहीं पे सेल डिवीजन होगा, लेकिन वही अगर हम एनिमल टिश्यू को देखेंगे तो एनिमल टिश्यू में सेल डिवीजन यूनिफॉर्मली पूरे होल बॉडी में यूनिफॉर्मली एक रूप में होते रहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जो है हमारा कि सम टिश्यू ऑफ प्लांट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, मैंने पूरे लाइफ में होल लाइफ में प्लांट टिश्यू बहुत सारे ऐसे हैं जो डिवाइड करते रहते हैं, जैसे मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो उसके टिप पर का है वो पूरा लाइफ डिवाइड करते रहता है, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल में ग्रोथ जो होता है ग्रोथ ये एक्चुअली यहाँ पे डिवीजन ग्रोथ के सेंस में है, तो इसका ग्रोथ जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, और इसके टिश्यू में जो ग्रोथ होता है ये ग्रोथ लिमिटेड एज तक ही होता है। एक खास है जैसे मेरा एज अब क्या हो गया, अब हम मैं
वो उस तरह का लेंथ ब्रेथ हाइट वाला ग्रोथ नहीं होगा। हाँ एक दो एक्सेप्शन है, जैसे स्किन जो होता है बॉडी का, वो एक स्किन एनिमल का ग्रो करते रहता है, इसीलिए झुर्रियाँ आ जाती है लॉन्गेज में, और कुछ स्किन है, स्किन के साथ सॉरी हेयर है और नेल वगैरह है, तो ये हेयर और नेल तो आफ्टर डेथ भी ग्रो करते रहता है, मरने के भी 5-7 दिन तक जब तक फूड अवेलेबल है इसके लिए तब तक हेयर और नेल ग्रो करते रहता है। ये हो गया यानी कि लिमिटेड एज तक ही होता है, लेकिन एक दो एक्सेप्शन के साथ। दूसरा यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बाद, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा किसमें, आपको प्लांट टिश्यू में, लेकिन वही एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ओके तो इस तरह से ये छह मेन डिफरेंस हो गया प्लांट टिश्यू का और एनिमल टिश्यू का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।